नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि माँ काली के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगी। दोस्तों आप सभी को बता दें कि माँ काली ने आपको दिया है चार बड़ा शुभ संकेत और अब आपके जीवन काल में इन शुभ संकेत के आशीर्वाद से बहुत ही बड़ी खुशहाली आपको प्राप्त होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बता दें कि माता काली का अशुभ आशीर्वाद ही ये चार बड़ा शुभ संकेत है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब माँ काली के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन काल में अच्छी जिंदगी शुरू होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप भूल जाइए अपने पिछले समय की दुख भरी कहानी, क्योंकि दोस्तों माँ काली के आशीर्वाद से अब आप सभी के जीवन काल में खुशियों की एक नई दुनिया बनने वाली है, जिनके कारण दोस्तों आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़े बड़े चमत्कार होंगे। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज शाम से आप सभी के जीवन काल में जो बड़े महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं, जो बड़े महत्वपूर्ण चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार से कहें तो दोस्तों आज शाम से आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़ा हड़कंप मचने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के जीवन से जो भी मुसीबत थी दोस्तों वह दूर होने वाली है। आपके सामने जो भी परेशानियां खड़ी हो रही थी दोस्तों वे सामने से अब हटने वाली है। क्यों दोस्तों, आप सभी को बता दें कि माता काली का अशुभ आशीर्वाद आप सभी के राशि पर हो चुका है, जिनके कारण दोस्तों आप सभी की कुंडली में चार बड़े शुभ योगों का निर्माण होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये चार बड़े शुभ योग आपको चार बड़े शुभ संकेत देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको वह संकेत बताने वाले हैं। दोस्तों ध्यान से आज के इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन बातों को समझ लेंगे, अगर आप इन संकेत को जान जाएंगे तो दोस्तों माता काली का वह चमत्कार आप सभी के जीवन काल में होगा, जिन्हें जानकर आप सभी जलने वाले भी रोने लगेंगे कि दोस्तों उनका होश उड़ जाएगा। वो सोच नहीं सकते थे कि आपके जीवन काल में कभी इतनी भी बड़ी खुशी आएगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि धन से जुड़ी जो भी संबंधित आपकी परेशानियां थी दोस्तों, जिन्हें लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे दोस्तों, वे सभी परेशानियां खत्म होने वाली है। आपके घर से आर्थिक तंगी सब समाप्त हो जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज शाम से आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़ा चमत्कार होगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपने पिछले समय अपने जीवन काल में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा भी है कि दोस्तों आपने पिछले समय जहाँ भी दुख झेले हैं, जहाँ भी समस्याओं का सामना किया है दोस्तों, उस समय में आपके अपने ने, जिन्हें आप सब कुछ मानते थे दोस्तों, उन्होंने अपना असली रंग भी आपको दिखाया है और कैसे धोखे दे जाते हैं दोस्तों, वे सब बातें भी आपको सिखाया है। बिल्कुल भी आप खुद को निराश ना समझें दोस्तों। अब आप शिविर के जीवन काल में माँ काली का आशीर्वाद आ चुका है, जिनके कारण दोस्तों अब आपके सारे दुख दर्द समाप्त होंगे और जो भी लोग आपके पिछले समय धोखा दिए हैं दोस्तों, उनको भी अब सजा मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जब आपके जीवन काल में ये सारी खुशखबरी एक साथ आएंगी तो दोस्तों वो लोग के आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि खुद माँ काली अब आपकी रक्षा करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी अच्छी जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप बिल्कुल ही भूल कर भी चार संकेत को नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये आपके जीवन काल का सबसे बड़ा पहलू होगा, जिसने आप अपनी जीवन काल के दुख के रास्ते को सुख के रास्ते में बदल सकते हैं। तो दोस्तों आगे इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी को देने वाले हैं कि यश में आपको कौन कौन सी विशेष बातों का भी ध्यान रखना होगा, कौन कौन से कार्यों को लेकर आपको सावधान भी रहना होगा, ताकि माँ काली का शुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। उससे पहले दोस्तों, जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माँ काली जरूर लिखिएगा। दोस्तों माता रानी का शुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा, किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाएंगे, मुसीबत के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे और जीवन काल में उन्नति सुख समृद्धि आपके घर में वास करेगी। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और साथ ही दोस्तों, अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि दोस्तों और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि पिछले समय में आपने बहुत ही अच्छे बुरे परिणाम देखे हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले समय में आपने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है और पिछले समय दोस्तों आपके साथ कुछ ऐसा भी परिस्थिति का निर्माण हुआ है, जिनमें कोई दूसरा व्यक्ति होता
तो दोस्तों खुद को संभाल नहीं पाता। लेकिन दोस्तों पिछले समय में आपने वह हर मुश्किल परिस्थिति में खुद को साहस के साथ कार्य किया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही निडर होकर आप अपने कार्यों पर डटे रहे हैं, चाहे लाख मुसीबत आपके सामने आए हैं, लेकिन दोस्तों किसी न किसी तरह आप उन मुसीबतों से निकल ही गए हैं। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा आपको दुख उस वक्त हुआ जिस समय आपने अपनों से मदद की आस रखी थी, और दोस्तों वही समय वो लोग आपको धोखा दे गए, यूं कहें तो किसी प्रकार से अपने हाथ छुड़ा लिए। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि माता रानी के आशीर्वाद से अब आपको चार बड़े संकेत मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब से आपको अपने जीवन काल में कुछ बातों का ध्यान भी रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आगे से कोई भी दुश्मन, कोई भी शत्रु आपको परेशान ना करे और ना ही आपको धोखा दे सके और ना ही आपके कार्यों में रुकावटें डाल सके, तो दोस्तों कुछ बातों को आज से ही आप अपने कान में रख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि आज से आपको जो बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, आज से आपको जो बड़ी सफलताएं मिलने वाली है दोस्तों, उन्हें आप किसी के भी साथ शेयर नहीं करेंगे। और शादी दोस्तों हम आप सभी को बता दें, और जो भी खुशखबरी मिलने वाली है दोस्तों, उन पर आप कभी भी अहंकार नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये दो बातों का ध्यान अब आपको अपने जीवन काल में रखना है। शादी दोस्तों तीसरा जो बात है कि दोस्तों ईश्वर के प्रति लगाव आपको कम नहीं करना है। दोस्तों दिन प्रतिदिन कई सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके जीवन काल में कुछ पेशे आ जाने से, जिनको जीवन काल में कुछ सुख सुविधाएं आ जाने से वह ईश्वर को ही नजरअंदाज करने लगता है, ईश्वर के लिए समय नहीं निकाल पाता है। तो दोस्तों ऐसे में आपको अपने जीवन काल में कुछ ऐसे विशेष बातों का ध्यान रखना है कि किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है और ना ही अपने कार्यों का ढिंढोरा आपको कहीं पर करना है। साथ ही साथ दोस्तों ईश्वर के साथ रहकर आपको हर कार्यों में कार्य करना है, ईश्वर का समर्थन आपको कार्यों में लेना ही है। जी हाँ दोस्तों, जिस कार्य की आप शुरुआत करें पहले आपको ईश्वर का स्मरण करना है कि हे ईश्वर, हे देवी माता, हमारे कार्यों में आप हमारी सहायता करें, अगर कोई भूल हमसे हो जाए तो माता हमें मार्गदर्शन दें। दोस्तों ऐसे वाणी का प्रयोग आप अपने मन में उच्चारण कीजिएगा। दोस्तों माता रानी आपके कार्यों में हो रही गलतियों से आपको अवगत कराएगा और दोस्तों दिव्य शक्तियों का स्पर्श आप सभी के जीवन काल में जरूर होगा, परंतु दोस्तों सच्चा मन और सच्चे हृदय से आपको माता रानी से जुड़ना है। जी हाँ दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं कि आज शाम से आपको कौन कौन से चार संकेत मिलने वाले हैं और दोस्तों कौन कौन से बड़ी खुशी आपके जीवन काल में दस्तक देने वाली है। दोस्तों सबसे पहले खुशी होगी आपके करियर के क्षेत्र को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जो जातक पिछले कई समय से करियर के क्षेत्र को लेकर बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, दोस्तों जिनका भी नौकरी नहीं है या फिर जिनका भी नौकरी छूट गया है, दोस्तों व्यापार संबंधी जो भी परेशानी आपकी जीवन काल में चल रही है दोस्तों अब वह खत्म होने वाली है। जिनके पास भी नौकरी नहीं है दोस्तों, आज शाम से आप सभी के जीवन काल में माता रानी के आशीर्वाद से कुछ ऐसा चमत्कार होगा जिनसे दोस्तों आप सभी की कुंडली में जो भी विपरीत ग्रह है, जो भी आपके अशांत मन को बहुत ज्यादा प्रेरित करते हैं दोस्तों, वे सभी शांत होने वाले हैं और अब आपको नौकरी की संभावनाएं बनने वाली है, जिनके कारण दोस्तों आने वाले समय में आपको नौकरी की प्राप्ति होगी। और दोस्तों साथ ही साथ हम आप सभी को बता दें कि यश में आपको कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों कार्य क्षेत्र में आपको कुछ ऐसे संकेत मिले जो आपको लगे कि यह कार्य हमारे लिए सही नहीं है, यह कार्य बहुत ही छोटे कार्य हैं, यह कार्य हम नहीं करेंगे, तो दोस्तों यह गलती आप भूल कर भी ना करें कि दोस्तों यह माता रानी का संकेत होगा जो कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल में आने वाले हैं। दोस्तों आज शाम से आपको जो भी कार्य संबंधी कुछ ऐसे संकेत मिले जिनमें आपको लगे कि यह कार्य हमारे लिए सही नहीं है, तो दोस्तों उन कार्यों को आप बिल्कुल ही ना छोड़ें। दोस्तों आप सभी को बता दें कि वह कार्य आपके लिए आने वाले भविष्य में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा और बहुत ही बड़ा वरदान आप सभी के लिए साबित होने वाले हैं, तो दोस्तों इन बातों का आप ध्यान रखें। और दोस्तों दूसरा जो संकेत है वह आपके लव लाइफ के लिए है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपके लव लाइफ में जो भी परेशानियां चल रही थी, जो भी चिंताएं आपको अपने लव रिलेशनशिप को लेकर थी दोस्तों, वह आपके धीरे धीरे दूर होने वाले हैं। परंतु दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब आपको अपने लव रिलेशनशिप में अपने व्यवहार को बदलना होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप बर्ताव पिछले समय अपने साथी के साथ कर रहे हैं दोस्तों, उनमें अब आपको बदलाव करना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अगला व्यक्ति कुछ ऐसा कह दे जिनसे आपका मन बहुत ज्यादा दुखी हो, तो दोस्तों भविष्य में आपको दुखी नहीं रहना है, कि दोस्तों ऐसा कार्य हमेशा राहु करवाते हैं, व्यक्ति के अच्छे भाव में भी उन्हें बहुत ही गुस्से और बहुत ही चिड़चिड़ा सा बना देता है। तो दोस्तों अगर आपके साथी आपसे
गुस्से से भी बात करें तो दोस्तों वैश में आपको क्या करना है, वैश में आपको जवाब नहीं देना है, बस दोस्तों आपको शांत रहकर समय का इंतजार करना है। दोस्तों आने वाले समय में, आने वाले परिस्थिति में आपको सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि जो भी आपकी परेशानियां लव रिलेशनशिप को लेकर चल रही थी, दोस्तों वह शुभ होने वाली है और ग्रहों की स्थिति में बहुत ही बड़ा परिवर्तन होगा, जिनके कारण दोस्तों आपके पारिवारिक जीवन में बहुत ही अच्छा बदलाव आने वाले है। शादी दोस्तों तीसरा जो कार्य है, तीसरा जो संकेत है आप सभी के जीवन काल में, स्वास्थ्य को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पिछले कई समय से आपके जीवन काल में पेट को लेकर समस्याएं चल रही है। जी हाँ दोस्तों, पेट को लेकर बहुत ज्यादा समस्याएं आपके जीवन काल में चल रही थी, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवन काल में पेट से संबंधी जो भी परेशानियां हैं, जो भी संकट है, वह खत्म होने वाले हैं। परंतु दोस्तों यश में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले समय में अगर आपको पेट से संबंधित कोई ऐसी परेशानी हो जिससे आपके पेट में दर्द हो, या फिर आपके पेट में जलन हो, या फिर दोस्तों पेट में कुछ ऐसी समस्याएं हो जिनसे आपको लगे कि यह कार्य बिना दवाई से अब ठीक ही नहीं होगा, तो दोस्तों ऐसे में आपको डॉक्टर के पास तुरंत ही जाना चाहिए और डॉक्टर की सलाह आपको लेना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि इनके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी करना चाहिए, जैसे कि दोस्तों शनिवार और मंगलवार के दिन आपको हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को लाल टीका लगाना चाहिए। दोस्तों इनसे बहुत सारे संकट टल जाते हैं, जो भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती है दोस्तों वह दूर होते हैं और महाबली हनुमान जी उनके जीवन काल में हमेशा कृपा दृष्टि बरसाते हैं। तो दोस्तों ईश्वर के भी साथ आपको कार्य करना है, साथ ही डॉक्टर की भी आपको सलाह लेना है। और दोस्तों चौथा जो संकेत है वह है कि दोस्तों अगर आपके कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आए जो आपको लाभ के कुछ ऐसे लालच दे जो कि आपके सोच से बड़े हो, लेकिन दोस्तों यश में आपको संभलना है, ठहरना है कि दोस्तों कोई भी ऐसे कार्य किसी के बहकावे में आकर मत कीजिएगा जो कि दोस्तों आपके आने वाले समय के लिए हानि साबित हो। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इन बातों को अब आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों माँ काली का अंश आपके राशि के लोग होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लालच में आकर कोई ऐसी गलती कर देंगे जो कि दोस्तों आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दिए, तो दोस्तों ऐसे में माँ काली का आशीर्वाद आप सभी के जीवन काल से हट जाएंगे और दोस्तों बहुत सारी परेशानियां एक साथ आप सभी के जीवन काल में आ जाएंगी। जो भी आपके लाभ है दोस्तों वे संकट में बदल जाएंगे। तो दोस्तों भूल कर भी आप यह गलती मत कीजिएगा। तो आए दोस्तों आगे इस वीडियो में और भी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए बताने वाले हैं, तो दोस्तों आगे भी वीडियो ध्यान से देखिएगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आपको परिवार में कुछ खास और बड़ा खुशियां देखने को मिलेंगे, जिसके कारण दोस्तों परिवार में खुशियों भरा माहौल रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अष्टमी माता काली के आशीर्वाद से कोई ऐसा व्यक्ति आप सभी के जीवन काल में आ सकता है जो कि दोस्तों आपको धन दे या फिर कुछ ऐसे कार्य करने को कहे जो कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल के लिए बहुत ही अनावश्यक है, तो दोस्तों उन कार्यों को अपने हाथ में बिल्कुल भी ना लें। शादी दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि कुछ ऐसे कार्य, कुछ ऐसे इच्छा जो आपके पिछले समय से बहुत ही ज्यादा अधूरी पड़ी थी, दोस्तों वह कार्य अब आपका बनने वाले हैं और दोस्तों कार्यों में किया गया आपका प्रयास अब सफल होने वाला है। कि दोस्तों आप सभी को बता दें कि माता रानी का शुभ आशीर्वाद आप सभी के जीवन काल में अब रहने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब माँ काली के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में कुछ ऐसे चमत्कार होंगे कि दोस्तों जिन चीजों की आप जहाँ पिछले समय रखे थे, जिनके लिए आप बहुत ज्यादा प्रयास, बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे थे, दोस्तों वे सभी चीज अब आपको प्राप्त होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि आपके राशि में कुछ ऐसी संभावनाएं दिख रही है कि दोस्तों एक साथ आपको चार बड़ी खुशखबरी मिलेंगी, जिनके कारण दोस्तों आप शिव के जीवन काल में खुशियां ही खुशियां रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप शिव को बता दें कि अब आपको चिंता में रहने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि माँ काली का शुभ आशीर्वाद आप सभी के साथ है, तो दोस्तों कार्य में आप शानदार प्रदर्शन करेंगे जिसे लोग आपकी सराहना करने वाले हैं, आपकी तारीफ करते हुए नजर भी आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे आपका जो आत्मविश्वास है वह कई गुना बढ़ जाएगा और आपकी प्रसन्नता का, आपके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बेरोजगार लोगों के लिए इसमें नौकरी प्राप्ति के योग बनने वाले हैं। शादी दोस्तों, जो भी लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं दोस्तों उनको अपने कार्यों में पदोन्नति मिल सकती है, बॉस का सपोर्ट मिल सकता है, जिनके कारण दोस्तों आपको बहुत ही ज्यादा खुशी की भी अनुभूति होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यश में आपकी कुंडली में जो शुभ योगों का निर्माण है यह दर्शा रही है
कि अब आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वस्तु आपके हाथ लगने वाली है जिनके कारण दोस्तों आप सभी का जीवन अचानक से भी बदल सकता है। दोस्तों हो सकता है माँ काली के आशीर्वाद से आपको बड़े रकम कहीं पर मिल जाए, अनजाने में अनजान जगह पर भी कुछ ऐसे वस्तु आपको मिल जाए जो कि दोस्तों रातों रात आपके किस्मत को भी चमका सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी वस्तु अगर आपको मिले तो दोस्तों इन बातों का ढिंढोरा आपको कहीं पर भी नहीं पीटना है और दोस्तों चुपके से इन सभी लाभ को आपको रखना है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि लाभ के मौके तो आपके जीवनकाल में बढ़ेंगे, साथ ही साथ दोस्तों कुछ ऐसे भी घटनाएं, कुछ ऐसे भी महत्वपूर्ण लाभ के रास्ते खुल जाएंगे जिनकी दोस्तों आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, प्रेम संबंधों के लिए समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेम संबंध में आपको कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। आपके लव पार्टनर में जो भी झगड़े, जो भी विवाद चल रही, तो दोस्तों वो समाप्त होने वाले हैं और आपको एक अच्छे लव पार्टनर से मुलाकात हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपकी जो भी योजना है लव रिलेशनशिप को लेकर, अपने पारिवारिक जीवन को लेकर दोस्तों वो योजनाएं सफल होंगी। परंतु दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आने वाले समय में अब आपको अपने जीवनकाल में कुछ बातों का ध्यान रखना है, अन्यथा दोस्तों आपके लव रिलेशनशिप में फिर से दरारें आ सकती है। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि स्वास्थ्य के लिए जो समय होगा बहुत ही महत्वपूर्ण समय होगा। दोस्तों स्वास्थ्य के लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान भी रखना होगा, जैसे कि दोस्तों आपको अपने खाने को लेकर इसमें बिल्कुल ही सचेत रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, ज्यादा जंक फूड का आपको सेवन नहीं करना है, इससे दोस्तों आपके सिर दर्द, थकान और कमजोरी की आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, अपने जीवन काल में व्यायाम और दोस्तों मेडिटेशन को शामिल करेंगे, तो दोस्तों ये सभी समस्याएं जल्द ही खत्म हो जाएंगी और दोस्तों आपका जीवन बिल्कुल ही महत्वपूर्ण और लाभदायक साबित होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आया है। दोस्तों पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही दोस्तों चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ रहे।